बिस्मिल्ल रिम असल वरम्व वरक आप सभी नाजरीन का एक बार फिर से खैर मकदम है सवाल जवाब के सेशन में कल हम हाजिर ना हो सके कुछ टेक्निकल इशूज हमारे साथ थोड़े थे इस ऑफिस में तो उस वजह से हम कल लाइव नहीं कर सके <coughs> लेकिन परसों जो हमने सवाल पूछे थे उनके जो जवाब हमें मिले थे उसको हमने बाद में रिचेक करके आमिर असलम है कोई जिन्होंने हमारे सवालत के जो दो सवाल थे उसका जवाब दिया था तीन मिनट के अंदर अंदर ही जो हम उस वक्त देख ना सकें हम उसके लिए माजरत कहाँ हैं अभी हमने जब चेक इसको रिचेक किया तो आमिर असलम है जिसका ये नाम आ, आया है तो आज भी हम हजब मामूल अपने दो सवाल लेके हाजिर खदमत हैं तो आज के जो दो सवाल हैं उनको मैं शेयर करने से पहले आपके साथ शेयर करने से पहले अपने इस प्रोग्राम के हवाले से शेयर करने के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच के वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इस बड़ी खूबसूरत डिजिटल कुरान शरीफ को हासिल कर सकें मेरी तमाम नाजरीन से ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और वो भी इस अच्छे जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसमें शिरकत करके इस डिजिटल कुरान शरीफ को हासिल कर सकते हैं ये कुरान शरीफ पूरा जो ये डिजिटल है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हदीस भी इसमें मौजूद हैं और ये बहुत बड़ा हुआ है दिन के हदीसों से कुरान इसमें दो चार पाँच आठ दस कारीज हैं तो आप इस को इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें दूसरा हमारा जो है कि हमारा एक प्रोग्राम है क्वेश्चन आंसर के हवाले से ही वो इंस्टा पे हम हर जहर नमाज के बाद अपलोड करते हैं पिक्चर के शक्ल में एक सवाल हम पूछते हैं और उसका जवाब हम उस का जवाब हम जो सही देते हैं उसका नाम हम ईशा नमाज के बाद अनाउंस करते हैं इस कुरान के हवाले से अगर हम बात करें तो इसको जो हम दो सवालत पूछते हैं वो अगर लाइव के दौरान ही कोई जवाब देगा तो हम उसको लाइव के दौरान ही उसका ये नाम अनाउंस करके उसको ये कुरानी शरीफ हदी के तौर पे देंगे Uh, कल uh, कल नहीं परसों की बात हम करें तो परसों जो हम uh, लाइव आए थे उस दौरान एक शख्स आमिर असलम ने सही जवाब दिया था और तीन मिनट में अपना जवाब दिया था उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस लाइव के बाद वो हमारे नंबर नाइन फोर वन नाइन ट्रिपल जीरो टू जीरो सेवन पर रबा करके अपने इस कुरानी शरीफ को हासिल करके यहां से ले जाए तो आज के दो सवालत के हवाले से अगर हम बात करें तो आज के हमारे वो दो सवाल कि कौन से सूरात पढ़ने से कब्र रोशन होती है यह है पहला सवाल दूसरा सवाल है हजरत मूसा कितने साल एक काफिर के घर रहे थे यह है आज का दूसरा सवाल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए मैं फिर आपको कहना चाहूंगा आप लोगों के साथ शेयर किए तो हजरत मूसा वस्सलाम कितने साल एक काफिर के घर रहे थे यह है आज का पहला सवाल दूसरा सवाल है कौन सी सूरत पढ़ने से कब्र रोशन होती है यह है आज का दूसरा सवाल जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया मैं तमाम नाजरीन से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके इस कुरान शरीफ को हासिल कर सकते हैं मैंने अभी भी कहा कि इस प्रोग्राम को हम तीन साल से अपने इस प्रोग्राम को तीन साल से चला रहे हैं यह हमारा तीसरा साल है हर साल हम गिफ्ट्स की शक्ल में एक डिजिटल शरीफ हमने रखा है जो हमारे दोस्त हमें यहाँ पे बेचते हैं उमर सुल्तान की आमिर सुल्तान की बात करें उमर की बात करें मोमिन की बात करें डॉक्टर इर्शाद की बात करें सईद नसीर की बात करें बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मैं नाम फेरोज अहमद मीर का नाम अगर मैं लूँ फारूक अहमद मीर का अगर मैं नाम लूँ तो ये सब उन ने यहाँ हमें कुरान शरीफ दिए हैं कहीं सालों से दे रहे हैं तो हम भी इनका जो सही जवाब देते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं आज भी हमने इस साल भी हमने बहुत ही प्यारा खूबसूरत डिजिटल शरीफ आपकी नजर रखा है तो मैं सवाल दोहराऊंगा फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने साल एक काफिर के घर रहे थे यह आज का पहला सवाल दूसरा सवाल है कौन सी सूरत पढ़ने से कब्र रोशन होती है ये है आज के दो सवाल जो जो जहाँ उनको आपको जवाब देना है और इस कुरान शरीफ को आप हासिल कर सकते हैं तो मेरी तमाम नाजर से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को प्रोग्राम में शिरकत करके एक प्यारा सा डिजिटल कुरान शरीफ हासिल कर सकते हैं तो मेरी तमाम नाजरन से गुजारिश है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें मैं आ, तारीख सबसे कहूंगा कि टाइम कितना हुआ है ये हैं सजाद अकबर सजादुल अकबर हैं ये जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया है जवाब शकील अहमद ने भी दिया लेकिन सबसे पहले सजादुल अकबर ने इसका सही जवाब दिया है तो इस कुरान शरीफ के जो हकदार हैं वो सजाद साहब ही होंगे सजाद साहब से गुजारिश है कि वो इस फोन इस लाइव के बाद हमारे साथ लाइव फोन पे बात करें नाइन फोर वन नाइन ट्रिपल टू सेवन मीर आबिद साहब इसने भी सही जवाब दिया सजाद अहमद ने एक ही दिया सजाद अहमद ने मीर आबिद ने दो सवालों का जवाब दिया रईस अहमद रईस साहब ने भी जवाब दिया शकील अहमद ने भी जवाब दिया जरीना मला जरीना मलाल इन्होंने भी सही जवाब दिया है इसमें वायरेशन आ रही मिनट्स में सब इसके सही जवाब आ रहे हैं तो इसमें वायरेशन आके मैं इसको कुर अंदाजी में ही बेहतर समझता हूँ क्योंकि इसमें जवाब सेम टाइम पे आ रहे हैं जो मैं यहां देख रहा हूं टाइमिंग का इतना फर्क नहीं है तो इनशाला इसका हम कल कुर अंदाजी में ही इन इन जो दो सवाल हमने पूछे हैं सही जवाब सही टाइम पे आ रहे हैं कोई इतना वायरेशन नहीं हो रहा है तो मैं तमाम नाजरन से गुजारिश करता हूँ कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो आज के जो हमारे दो सवाल हैं वो हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कितने साल एक काफिर के घर रहे थे यह है आज का पहला सवाल दूसरा है कौन सी सूरत पढ़ने से कब्र रोशन होती है यह है आज के दो सवाल तो आप तमाम नाजरें से गुजारिश करें कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके इस डिजिटल शरीफ को हासिल कर सकते हैं ये है आज के हमारे दो सवाल जिनको आपके जवाब देने हैं आज जवाब सही आ रहे हैं तो इसमें जो हमने देखा कि वायरेशन कम आ रही है तो एक ने एक सवाल का जवाब पहले दिया दूसरे ने दूसरे सवाल दूसरा पहले दे रहा है तो इसको हम कुरानदाजी में ले लेंगे तो आज के जो दो सवाल हैं उनको हम कुरानदाजी में ले लेंगे आज का दो सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा हजरत मौसा अलैहिस्सलाम कितने साल एक काफिर के घर में रहे थे और कौन सी सूरत पढ़ने से कब्र रोशन होती है ये हैं आज के दो सवाल जिनको आपको जवाब देने हैं इसमें वायरेशन का फर्क नहीं आ रहा है सेम सेम ही आ रहे हैं जवाब सबके सही आ रहे हैं तो व्यवर्स से भी गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा जादस शेयर करें तो कल इंशाल्लाह हम कुरंदाजी की शक्ल में इस इन दो सवाल के जो विनर होंगे कुरंदाजी में तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह नगेबा